कार्रवाई के बावजूद भी शराब माफिया तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं और हर दिन शराब तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। थाना फरह इलाके के दिल्ली आगरा हाईवे से पुलिस ने ईंटों से भरे ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। मुखबिरी सूचना के बाद ट्रक में भरी ईंटों को उठा कर देखा तो उसके नीचे शराब का जखीरा निकला। पुलिस ने ईंटों से भरे ट्रक को 240 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब की बरामद की। साथ ही ट्रक सहित तीन आरोपी कमल सिंह कुलदीप और नवीन उपाध्याय निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह इस अवैध शराब के खेप को हरियाणा से यूपी में सप्लाई कर लेते हैं। पुलिस की सख्ती को देखकर उन्होंने नया हथकंडा अपनाया और ईंटों से भरे ट्रक को बीचों बीच शराब की पेटियों को रखकर तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे थे। अगर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ईंटों से भरे ट्रक को चेक नहीं करती तो शायद यह जहरीली शराब अपने ठिकाने तक पहुंच गई होती। पकड़े गए शराब तस्करों से पुलिस ने पूछताछ कर रही है कि इस अवैध शराब के खेप किस किस सप्लाई होती है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस अवैध शराब की फैक्ट्री एवं तस्करों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अपने मुखबिर के जरिए से ये इनपुट मिला था कि एक ट्रक में जिसमें फ्लाई ऐश की ईंटें लदी हुई हैं उसमें अवैध शराब जा रही है। इनकी सूचना पर इन्होंने अपनी टीम के साथ उसको घेरा और टॉल के पे उसको पकड़ लिया, जिसमें से 240 पेटी हरियाणा मॉडल की शराब बरामद हुई और तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक ट्रक है और 240 पेटी शराब बरामद हुई है। सर कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेकर के जा रहे थे? ये हरियाणा से लेके आ रहे थे और आगे जा रहे थे। क्या कीमत रही होगी शराब की? कीमत करीब 9 लाख बताई जा रही है। इनका कोई आपराधिक, इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। चूंकि अभियुक्त बाहर के हैं इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके आपराधिक इतिहास जल्दी ही पता कर लें। ठीक है।